हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम शॉर्ट ट्रैक। इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ, और यू कैन से महत्व समापवर्तक। तो महत्व समापवर्तक कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए महत्व समापवर्तक होता क्या है। आपको पता है दो नंबर हैं, सपोज एक नंबर है 21 और एक है 35। सिंपल पहले मैं ले लेती हूँ, एक नंबर है 21 और एक नंबर है 35। आपसे पूछा है इनका एच सी एफ फाइंड आउट करो, महत्व समापवर्तक निकालना है। तो आप किस तरह से इनका एच सी एफ निकालते हैं? इनका एच सी एफ आप निकालते हैं इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको फाइंड आउट करके। तो उसके लिए फंडा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में से छोटा नंबर होता है उसके फैक्टर्स करते हैं। सपोज़ मैं 21 की बात करूँ, तो 21 क्या है, 3 × 7, 3 × 7 = 21। ठीक है, 21 का सबसे बड़ा फैक्टर 21 खुद है। उसके अलावा आप बाकी फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं सबसे बड़ा फैक्टर यानी कि 7 को ले रही हूँ, तो 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो यानी कि इनका एच सी एफ क्या हो गया, इनका एच सी एफ हो गया 7। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, इसको फुल फ्लैश तरीके से निकालें। मैंने क्या लिया था, 21 और 35। एक तरीका होता है कि इसके फैक्टर कर दीजिए जैसे कि मैंने अभी किया, और दूसरा तरीका क्या होता है, इनको स्प्लिट कर दीजिए। 21 क्या होता है, 3 × 7 = 21। कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इनको प्राइम फैक्टर में। 35 क्या होता है, 5 × 7 = 35। भाई इजी के लिए तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे निकालना, 7 7 दोनों में है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ यानी कि महत्व समापवर्तक क्या हो गया इसका, 7। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसके फैक्टर करके कॉमन ले सकते हो, बट एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबके फैक्टर करें। यहाँ पे तो छोटा सा नंबर था, समटाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इस अप्रोच पर नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम नंबर लेते हैं और सबसे छोटे वाले नंबर के सिर्फ फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर मीन्स ये किस किस से भाग हो जाता है। 21 किस से जाता है, 1 × 21, 2 से नहीं जाएगा, 3 × 7 = 21। इसके ये फैक्टर हैं, 21 से 35 तो जा नहीं रहा, अगर 21 से 35 चला जाता तो वही एच सी एफ हो जाता। हाईएस्ट से जा नहीं रहा, उसके बाद कौन है हाईएस्ट, इसको हटाने के बाद 7, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 से दोनों जा रहे हैं, इट मीन्स एच सी एफ क्या हो गया, 7। एक और कोई एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सपोज मैंने लिया 7, 21 और 35, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी नंबर हों, सबसे पहले छोटे नंबर से देखना है। 7 का फैक्टर सबसे बड़ा 7 ही होगा और दूसरा 1 होता है। वाई, बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 एक अभाज्य संख्या है, छोटा नंबर है, उससे डिवाइड करके देखिए। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें। एच सी एफ, जो भी एच सी एफ मतलब 3 नंबर हैं तो 3 में, 4 नंबर है तो 4 में, 5 नंबर है तो 5 में, जो सब में कॉमन है वही क्या होगा उसका एच सी एफ। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते, सपोज मैंने लिया 14, 42 and 51। इन नंबर में क्या कॉमन नंबर है, ये है 2 × 7, देन
आपको बाकियों को उसी को देखना है, यहाँ से दो ही फैक्टर आ रहे हैं आपके 2 और 7, क्योंकि 2 7 जा क्या होता है 14, 7 से सारा जा रहा है, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, और 51 जाता है 7 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 1। क्लियर है ये चीज? तो HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है आपने? आपने पहले छोटे नंबर का फैक्टर निकालने हैं और उसके सबसे बड़े फैक्टर से चेक करना है सारे नंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। क्लियर है? चलिए मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो मैं आपको कराती हूँ। ये मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। द एच सी एफ ऑफ 42, 63 and 140। एच सी एफ ऑफ 42, 63 and 140। पहला मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है आपको? पूरे नंबर को छोटे वाले नंबर से देखना है, पूरा पूरा नंबर जाता है या नहीं, नहीं जा रहा है देन उसके फैक्टर करने हैं। 42 का एक तो 21 हो जाएगा, 2 into 21, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 3 से भी जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और क्या हो जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 6 7 जा 42। ये इसके फैक्टर्स आ गए। 1 मैंने कंसीडर किया नहीं है, 1 में क्योंकि 42 ही आएगा। क्लियर है? तो मैं 1 को छोड़ के नेक्स्ट से स्टार्ट हमेशा करती हूँ। आपको भी यही करना है, 1 से करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 से जा रहा है यानी कि 42 से सारा नंबर चला जाएगा, तो हमें ये करने की नीड ही नहीं होगी। क्लियर है? अब HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा इनमें है 21, तो आप 21 से चेक करोगे क्या सारे नंबर 21 से जा रहे हैं। 21 से भाई 42 तो जाएगा, 63 भी जाएगा, क्या 140 जा रहा है 21 से? नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जाएगा। देन क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चेक करेंगे, 14 से चेक करिए, 14 से 42 तो जाएगा, क्या 64 जाएगा? नहीं, यही बात ख़त्म हो जाती है। देन 7 से, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14। 7 से पूरा पूरा चला गया तीनों नंबर, इसका मतलब क्या है, HCF क्या हो गया इसका 7। तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर निकालने हैं और इन फैक्टर से हाईएस्ट से स्टार्ट करते हुए चलना है, जिससे गिवन नंबर सारे चले जाएं, वही क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और आपको सिचुएशन क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एच सी एफ ऑफ 126, 396 and 5400। आपके पास तीन नंबर हैं, 126, 396 and 5400। क्या बताया मैंने, सबसे छोटे नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से चला जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देखिए ये चेक करने के लिए भी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पर वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप चाहें तो उनको देखकर पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ सकते हैं, देन यू कैन ट्राई दिस, क्योंकि वो बेसिक वीडियोस हैं, वो हर जगह पे आपको यूज़ होती हैं। देन 3 के लिए 6 2 8 और 1 9, 3 से भी जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 7 से, 7 से देखिए, 7 से भी जा रहे, 7 1 जा 7, 5, 7 8 जा 56, 8 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा है, 9 से जा रहा है 6 2 8 और 1 9, 9 से चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, ठीक है, और 14 ऑलरेडी है। तो अब इनसे चेक करेंगे, हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं,
सबसे पहले आपने देखिए, आपके पास ये तो हमने भी बिना ऑप्शन किए आपने फैक्टर किए। अगर आपके पास ऑप्शन होते तो इन फैक्टर्स में से आप उन्हीं नंबर को ट्राई करते जो ऑप्शन में गिवन है, यानी कि आपको सिर्फ चार ही नंबर ट्राई करके देखना पड़ता। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, देखिए सी, अभी हमारे पास क्या है 63, तो 63 से आप चेक करोगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, 42 से आप चेक करोगे, 21 से आप चेक करोगे, एंड सो ऑन। तो इन सारे नंबर से आपको चेक करके देखना पड़ेगा और उसी के बाद आप कर पाओगे। देखिए 63 से जाता है, इसका मतलब जो नंबर 63 से डिवाइड होगा डेफिनेटली वो 3 से भी डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी लगा के देख लीजिए, इस पे लग रहा है, इस पे 6 और 9 15 318 लग रहा है, तो कितना आ रहा है 21। 3 अगर हम हटा दे रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आ रहा है। 42 से आप ट्राई कीजिए एंड सो ऑन। आप ट्राई करके देखिए किस नंबर से आपका जा रहा है, जिससे सारे नंबर चले जाएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, एच सी एफ। ठीक है, एक फंडा तो ये है, पर ये भी कई लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ठीक है, मैं अभी इसे कंटिन्यू करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको दूसरा तरीका इजी लगता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपने सारे फैक्टर ट्राई करने हैं या जो फैक्टर आपको ऑप्शन में गिवन होंगे उन फैक्टर्स को लेके आप ट्राई करेंगे, जिससे सारे नंबर चले जाएं वही क्या होगा, एचसीएफ। क्लियर है? सपोज आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, आप और शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो ये आपकी थोड़ा सा आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन पता होनी चाहिए। आपने नंबर लिखा 126 396 5 54 100, सबसे बड़ा प्राइम नंबर देख लीजिए जिससे सारे नंबर ये जा रहे हैं। 3 से आपको पता चली गया जा रहे हैं सब, 5 4 9, 3 का रूल लग रहा है, 9 और 3 12 और 6 18, 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, आगे बढ़िए 18 से जा रहा है क्या, 18 से 9 हो गया, क्योंकि भाई 3 और 9 की लाइन चल रही है तो इन्हीं का सीक्वेंस चलते हैं। कोई भी नंबर 2 6 के लिए तो भाई 2 से भी जाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं 3 9 9 के बाद मैंने लिया 18, ये वाला सीक्वेंस में चलते हैं। 18 का मतलब क्या है, वो नंबर 2 से भी जाना चाहिए और 9 से भी जाना चाहिए। भाई 2 के लिए वंस डिजिट देखना होता है, 2 से सारे नंबर जा रहे हैं, 9 से जा रहे हैं, 18 से पूरे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं 18 से इसको कट करती हूँ, 18 से कट करिए, कितना जाएगा आपका, 18 से इसको करते हो 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 2 7 56, 7 पे जाता है। अब देखिए 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 7 पे चला गया 18 से, इसको करिए 18 2 जा 36, 3 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, एच सी एफ क्या हो गया 18। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको खुद आ जाती हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे तो वो ऑप्शन से आप डिवाइड करके इसको ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के फंडे को यूज़ करके कॉम्बिनेशन पे आप आसानी से एच सी एफ एल सी एम निकाल सकते हो। क्लियर है इजीली? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिस एक और तरीका आपको बता देती हूँ मैं, ये हो गया आपका। देन हम चाहें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, हमारे पास है 126 396 और 5400। आपको पता चल रहा है कि भाई 2 से कट हो रहे हैं, 2 से कट कर दीजिए, 3 से कट हो रहे हैं, आपको पता है 2 का रूल भी लग रहा है इसमें, 3 का लग रहा है, 6 से जा रहे हैं, 9 का फिर आपने लगाया, 9 से भी, 2 से भी जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं और 9 से भी जा रहे हैं। 2 और 3 से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 6 से भी ये जा रहे हैं, ये चीज़ें इनमें कॉमन है। अब देखिए 2 3 6 9 से सारे नंबर ये जा रहे हैं, तो आपने क्या देख लेना है, इनका एलसीएम, क्योंकि भाई 2 3 6 9 से सारे नंबर जा रहे हैं तो एक कॉमन नंबर से भी ये जा रहे होंगे। अब इनके एलसीएम की बात करूँ तो ऐसा नंबर लेना है जो सबसे जाए, यानी कि 2 से भी जाए, 3 से भी जाए,
सिक्स से भी जाए और नाइन से भी जाए, नाइन टू जा 18, नाइन तो जा नहीं रहा था, मैंने नाइन का डबल किया, नाइन टू जा 18, क्या 18 टू से जाता है, यस, थ्री से जाता है, यस, सिक्स से जाता है, यस, नाइन से जाता है, यस, तो 18 सबसे जा रहा है, तो इसको 18 से डिवाइड करके देख लिया, क्लियर है, 18 से डिवाइड किया आपने, यहाँ 7 आया, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, वहाँ से भी आपका एच सी एफ किया गया 18। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप एच सी एफ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने 5-6 तरीके आपको बताए कि किस किस तरीके से आप एच सी एफ निकाल सकते हो, आप देखिए किससे किससे डिविजिबल है, जिनसे वो डिविजिबल है डिविजिबिलिटी रूल आप ओरली अप्लाई कर सकते हैं फटाफट, और अकॉर्डिंगली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको फंडा बताया, आगे एच सी एफ एल सी एम के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बात आती है एल सी एम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एल सी एम, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लघुत्म समापवर्तक, क्या बोलते हैं इसको, लघुत्म समापवर्तक। देखिए आपको एच सी एफ लेना आ गया तो एल सी एम अपने आप आ जाएगा, ठीक है, आपके पास है 24, 36, 40। एल सी एम निकालने के लिए भी सबसे पहला फंडा क्या लगाओ, एच सी एफ वाला, यानी कि इनमें से जो कॉमन है उसको निकाल लो। कॉमन के लिए क्या फंडा बताया आपको, सबसे पहला फंडा यही बताया कि इन पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देख लो, या फिर जो छोटा नंबर है उसके फैक्टर करो और उससे चेक करो ये सब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। 24 के फैक्टर करोगे क्या बनेगा, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से किया 3 8 जा 24 एंड सो ऑन, ठीक है, तो छोटे ही बनेंगे, दो मैंने ले लिए, इससे नीचे जाते जाओगे तो कम बनेंगे, मुझे हाईएस्ट से मतलब है, जब ये दोनों से नहीं जाएंगे तब मैं आगे जाऊंगी। तो मेरे पास 24 के फैक्टर हो गए 2 into 12 और 3 into 8, 24 से तो सब जाएंगे नहीं, मैंने 12 से चेक किया, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, नहीं जा रहा, 40 नहीं जाएगा 12 से, यानी कि 12 से इसका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं, 12 से नहीं निकल रहा तो नेक्स्ट पे जाएंगे, 8 थ्री जा 24, 8 4 जा 36, नहीं 8 थ्री जा 24, 8 4 जा 32, नहीं जा रहा 8 से भी, कैंसिल, 8 भी कॉमन नहीं है। देन आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद इसका फैक्टर क्या आएगा, 4 6 जा 24, 6 से हमें पता है 40 नहीं जाएगा, ठीक है, इसके बाद 5 आता है तो हम लोग इससे भी नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 से किया 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एच सी एफ क्या आ गया आपका, यानी कि इनमें तीनों में कॉमन क्या आ गया आपका, 4। तो एल सी एम निकालते समय सबसे पहले एच सी एफ लेते हैं, यानी कि वो नंबर लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, वो ले लिया, इसके बाद हमारे पास ये बचा। देन आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि भाई कोई दो नंबर सेम नंबर से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 चला गया, यानी कि क्या आ गया, किससे गया ये, 3 से। देन आगे चेक करोगे किसी सेम नंबर से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से चला गया। अब बचा 3 and 5, 3 and 5 किसी भी नंबर में नहीं आते हैं, देन 3 into 5, कॉमन किसी नंबर में 3 and 5 नहीं आते बिकॉज दे आर प्राइम, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90 एंड 94 जा 360, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 360, क्लियर है। यानी कि पहले एचसीएफ निकालना है,
और उसके बाद आपने क्या करना है, रिमेनिंग को राइट कर देना। क्लियर है? समटाइम बहुत इजी नंबर भी आ जाते हैं जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस ऑल दोज ट्रिक्स, बट यहाँ पे मैं वो ले रही हूँ जिनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, एलसीएम ऑफ 26, 56, 104, 182। भाई इसका फैक्टर पहले मुझे दिखाई दे रहा है 26 का क्या होता है, 2 से करना है, 2 × 13, 3 में जाता नहीं है, 4 में जाता नहीं है, 5 में जाता नहीं है, 6 में नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाता, 8 में भी नहीं जाता, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, अभी इतनी दूर तक पहुंच गए, 13 से ही चेक करते हैं। 13 × 26, 13 × 26, बट भाई 56 इसमें नहीं जाएगा, नहीं जा रहा 56। ठीक है, देन 104 जाता है 13 से, 182, तो यहाँ से सारे नहीं जा रहे, तो इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट अ स्मॉल नंबर, यानी कि 2 से कर देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो बड़े से नहीं जा रहा तो स्मॉल से करिए, 2 से आपने काट दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, एलसीएम ले रहे हो आप, 2 लिया आपने, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 13 से अब पता चल रहा है, यहाँ 13 से 3 जा रहे हैं, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 13 × 52 और 13 × 7 = 91। ठीक है, 13 आ गया, अब 7 × 4 = 28, कैंसिल हो गए अभी, ये दोनों 4 हैं, 4 × 1 = 4, तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 13 × 4 × 2, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 1 = 8 और 2 = 10, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा, 104 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, एक 4 हमने नहीं, कुछ छोड़ दिया है, पहले हमने 2 से किया, देन 13 से किया, 7 नहीं हमने राइट किया, 7 से किया था ना, 7 × 4 = 28, हमारे पास था 2 × 13, 13 के बाद हमने 7 से कट किया एंड देन 4 से, तो हमारे पास क्या आ गया था, 4 × 2 = 8, 8 से इसको किया था 104, 104 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7, क्या आ गया, 7 × 28। क्लियर है, क्या आंसर आ गया हमारा, 7 × 28, ऑल क्लियर। देखिए जो छोटी छोटी ट्रिक्स काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई दो नंबर ऐसे हैं, दो नंबर वैसे हैं, आजकल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आने लगा है, उस टाइप के नंबर यूज़ ही नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर है और उसका क्या निकालना है, एचसीएफ, तो क्या फंडा होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर नंबर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर नंबर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर नंबर, HCF of numerator number upon LCM of denominator number। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपने क्या निकालना हो, LCM निकालना हो, तो फ्रैक्शन के केस में LCM का क्या होगा, जो चीज़ निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रख लो, LCM of numerator number upon HCF of denominator number। याद करने का तरीका यही है, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम रखो, अपोजिट में उसका अपोजिट एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ। क्लियर है फॉर्मूला? तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपको नंबर गिवन है 2/3
8 by 9, 10 by 27, 32 by 81. HCF निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर का HCF. HCF निकालने का फंडा क्या बताया आपको? स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करना है सारे नंबर कट रहे हैं नहीं, अगर उससे नहीं कटता तो उसके फैक्टर से. 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12. 2 से सब कट गया तो HCF क्या आ गया न्यूमरेटर का? 2. LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या निकालना है? LCM. LCM का फंडा क्या है? सबसे पहले क्या निकाल दो? HCF. मैं पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे. क्या बताया मैंने? HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, HCF ऑफ न्यूमरेटर हमने निकाल दिया, 2 आ गया, LCM भी निकाल देते हैं. LCM है 3, 9, 27 और 80. अगर कोई नंबर सभी नंबर से जा रहा है, देखिए 3 से सारे नंबर जा रहे हैं, 3, 3, 3 जा 9, ये जा रहा है, फिर 9 से, 9 1 जा 9, 9 से गया 27, 81, 27 से भी, यानी कि जो बड़ा नंबर है अगर वो सारे छोटे नंबर से जा रहा है तो वही LCM होगा. अगर गिवन नंबर का बड़ा नंबर सभी छोटे नंबरों से जा रहा है तो वही क्या होगा आपका? LCM. यानी कि इसका LCM क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 81. ये भी एक ट्रिक है कि अगर गिवन नंबर सारे नंबर जितने भी गिवन नंबर हैं वो सबसे बड़े नंबर को कट कर रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा आपका? LCM. HCF क्या आया था हमारा? 2. LCM आया 81. कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देना, नहीं कैंसिल होगा तो यही क्या हो जाएगा आंसर. तो गिवन फ्रैक्शन का आपका क्या आ गया? HCF 2/81. फंडा क्या बताया LCM का? कि भाई LCM में अगर आपको ऐसे नंबर गिवन है जो सारे नंबर सबसे बड़े नंबर को काट रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा? LCM. क्लियर है? चलिए अब इसका क्या निकालते हैं? LCM. LCM क्या बताया आपको? LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर. LCM ऑफ न्यूमरेटर 2, 8, 10 और 32. मैंने आपको कहा कि अगर कोई नंबर सारे नंबर जितने भी अवेलेबल हैं बड़े नंबर को काट रहे हैं तो वही उसका क्या होगा? LCM. तो देखिए 2 से 32 कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो 2, 8 और 32 का LCM क्या हुआ? 32. क्योंकि ये 2 से भी कट हो रहा है और 8 से भी कट हो रहा है, 8 4 जा 32. 10 नहीं जा रहा सबसे तो हमने 10 को भी छोड़ दिया है, हमने 2, 8 और 32 का LCM निकाला और वो क्या आ गया आपका? 32. क्लियर है? अब देन आपने क्या करना है? 10 और 32 का क्या निकालना है? LCM. इतना क्लियर है? 2, 8 और 32 का हमने निकाला. मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर क्या हो रहा है स्मॉलेस्ट नंबर से सारा का सारा नंबर कट जाता है तो वही इसका क्या हो जाएगा? LCM. तो 32 हो गया. देन अब 10 और 32 की बात करते हैं. 10 और 32 की अगर आप बात करोगे तो LCM क्या हो जाएगा इन दोनों में? पहले कॉमन निकाल देते हैं. 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, और इसको 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. 2 कॉमन आ गया एंड देन 5 और इंटू 16, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. क्लियर है? तो क्या आ गया? 16 5 जा 80, या आप ऐसे भी कर सकते हो 5 2 जा 10, 10 इंटू 16 160. LCM क्या आ गया? 160. इतना मुझे बताइए समझ आया कि नहीं?
पहले मैंने जो कॉमन नंबर थे वो देखा, जिससे वो पूरा पूरा जा रहा था, तो मैंने देखा 2, 8 and 32 का एलसीएम 32 आ गया, तो इनको मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने 10 और 32 में एलसीएम निकाला और क्या आ गया वो 160। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3, 9, 27 and 81। एचसीएफ का सीधा सा फंडा है, स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले चेक करते हैं, सारे नंबर को काट देता है तो वही एचसीएफ है। 3, 3 जा 9, 3, 9 जा 27, 3, 2 जा 6, 3, 7 जा 21। 3 से सारे नंबर कट रहे हैं, इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या है 3 है। कुछ कैंसिल हो जाए तो कर दो, नहीं होगा तो वही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एचसीएफ एलसीएम की कुछ कॉन्सेप्ट थे। पहले मैंने क्वेश्चन लिया और देखिए फ्रैक्शन में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ का फंडा पता चला है, यानी कि दो ट्रिक पता चली हैं नई, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं की हैं। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए आज का सेशन यूज़फुल रहा हो। मिलेंगे अपने हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एचसीएफ एलसीएम को।